कितना रिकॉर्ड हो रहा है उसके बाद उसको नहीं होती। हेलो, मैं आकांक्षा। मैं कुणाल। कोई बात नहीं। और हम लोग आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना रिकॉर्ड किया है हमने, बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। राजेश जी ने कंपोज किया है गाना। मैं कर लाऊं? रणधीर जी ने लिरिक्स लिखा है। इट्स अ वेरी नाइस मेलोडी। आजकल ऐसे गाने कम सुनने को मिलते हैं सैडली, बट वेरी एक्साइटेड अबाउट द सॉन्ग एंड विल बी सून रिलीजिंग। ये फिल्म का गाना रिकॉर्ड करते हैं किसी एल्बम वगैरह? एल्बम का गाना है। किस तरह का गाना है ये? किस तरह का गाना है ये? सॉफ्ट रोमांटिक गाना है, जैसा कि मैंने पहले बताया आजकल ऐसे गाने बनने बंद हो गए हैं। प्रॉपर ड्यूएट है, फीमेल को भी उतना ही गाने का स्पेस मिला है जितना कि मेल को है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन वाला गाना आजकल मैं बहुत रेयरली सुन पाती हूँ। आई थिंक गाने की सबसे खास बात यही है और बहुत ही मधुर सा गीत है। सो इसकी अगर बात करें तो इसमें आर्टिस्ट कौन होंगे जो इस गाने पे परफॉर्म करेंगे? ये सब डिसाइड किया है या आप ही लोग होंगे? डिसाइड बहुत सारे ऑप्शंस अभी खुले हैं, हम भी हो सकते हैं, शायद कोई एक्टर एक्ट्रेस भी हो सकता है। क्योंकि आजकल जो एल्बम आ रही है वो बेसिकली सिंगर ही उसमें परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत सारे ऐसे एल्बम हैं, तो ऐसा तो नहीं। ऑनेस्टली आई थिंक वी आर स्टिल देयर, हम लोग अभी भी उस नतीजे पर पहुँचे नहीं हैं। मे बी कोई एक्टर हो सकता है, कोई एक्ट्रेस हो सकती है, मे बी हम लोग हो सकते हैं, नेवर नो। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं? मेरा तो खैर अभी आया था आर्टिकल 15 में, मेरा एक गाना आया था अभी विक्रम भट्ट के लिए, मैंने गाना किया है, वो भी रिलीज़ होने वाला है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी है और दो तीन चीज़ें और भी पाइपलाइन में हैं, कुछ ना कुछ आती रहता है। आप बताएं कुछ बाकी कुछ और प्रोजेक्ट हैं इसके अलावा? राजेश जी और मैं वेयर इट टॉक्स एंड इज वांट्स मी टू डू अ सोलो नेक्स्ट, सो अभी नो आइडिया व्हेन दैट विल कम अबाउट, बट टॉक्स चल रही है एंड विल जस्ट सी हाउ इट गोस। ज़्यादा कुछ नहीं, बस हम लोग बहुत मेहनत करके गाना बना रहे हैं, जैसे ही गाना रिलीज होगा आप सभी को पता चल जाएगा। बाय द टाइम मेरे अपडेट के लिए, इनके अपडेट के लिए आप प्लीज़ हमें सारे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीवेयर। और ये गाना जी म्यूज़िक कंपनी पर रिलीज़ होने वाला है और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मेरे जितने भी गाने हैं वो अगर आप लोगों ने नहीं सुने हैं तो वो भी जाके सुन लीजिएगा। आर्टिकल 15 में आया था, शादी में ज़रूर गाना में आया था, अंधा भूम में आया था। सो या प्रीटी मच, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए म्यूज़िक। से द सेम के ऑल द फैंस, जब ये गाना रिलीज होगा आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगा एंड एवरीवन विल एंजॉय इट्स। अगेन जैसे आकांक्षा डिस्क्राइब, इट्स अ वेरी यूनिक सॉन्ग, इट्स नॉट लाइक मोस्ट सॉन्ग्स यू नॉर्मली हियर एंड अगेन होपफुली जैसे लोग पीपल विल नो अबाउट मी एज वेल एंड होपफुली अगेन आई जस्ट होप एवरीवन लाइक्स इट। Because we put a lot of hard work, most people don't realize बहुत ज़्यादा hard work इसमें जाता है and सबकी efforts, you know, जब गाना release होता है the audience likes it, that shows के our hard work has paid off, so I really hope that's what happens here and you know, it's really excited to work with Aakanksha, you know, she's an absolute, the voice is that of an angel, you know, so, very excited to work with her again, so very excited. Thank you.